नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को धूमधाम से मना रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अपने परिवार से दूर स्थान में ड्यूटी कर रहे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवानों को बहन की दूरी का एहसास न हो, इसके लिए स्कूली छात्राओं ने थानों में जाकर थानाध्यक्ष और पुलिस जवानों को राखी बांधी। शहर के मुफस्सिल थाना लोयानगर थाना में दर्जनों स्कूली छात्राओं ने पहुंचकर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मोहम्मद फैयाज अहमद और लोहिया नगर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के अलावा थाना में मौजूद सभी पुलिस पदाधिकारियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर तिलक भी लगाया। छात्राओं ने कहा कि परिवार से दूर रहकर हम लोगों की दिन रात रक्षा करने वाले पुलिस पदाधिकारी को अपने घरों और बहन की याद ना आए, इसलिए थाना में पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी को राखी बांधी गई है, क्योंकि ये लोग दिन रात हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और पर्व त्योहार में घर भी नहीं जाते हैं। ऐसे में इन्हें घर की याद नहीं आए और घर के माहौल की तरह यहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये लोग हम लोगों की रक्षा के लिए यहाँ पे दिन रात ड्यूटी करते हैं। ये लोग अपनी बहन के यहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन लोगों का अपना ड्यूटी होता है, तो इन लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इनकी कोई बहन नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं इन लोगों की बहन बन के, इन लोगों को राखी बांधने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं। जैसे वो लोग हम लोगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम लोग भी उनकी बहन हैं। इस शुभ अवसर पर उनको राखी बांधने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये लोग अभी तक इनके हाथों में कोई राखी नहीं था, हम लोग इनके हाथों में राखी बांधे इतने अच्छे अवसर पर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इन लोग को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर यह अपना घर छोड़ के यहाँ तक हम लोग की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो हम लोग यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम सारी बहन भी इनकी बहन हैं, ताकि इनको यह एहसास ना हो कि इनकी कोई बहन भाई ना हो। और हम लोग यह भी एहसास इनको दिलाना चाहते हैं कि अपने भाई बहन को तो सब राखी बांधते हैं, लेकिन हम सारी बहनें मिल के इनको आप लोग को जो रक्षा करते हैं आप उनके उनके हित में आप राखी बांधने के लिए। यस, पिछले बार भी हम लोग गए थे नगर निगम राखी बांधने के लिए, लेकिन इस बार हम लोग आए हैं मुफस्सिल थाना, सारी बहनें एक साथ मिल के। अभी आप मुँह पर कहाँ आए? मुफस्सिल थाना। हाँ, लोहिया आपने? हाँ, बांध दिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे बहन सारे भाई, बहुत अच्छा लगा। अपने हम लोग सिकंदरपुर अजौरा से आए हैं। हम लोग आज यहाँ पुलिस थाना राखी बांधने के लिए आए हैं क्योंकि ये लोग अपने परिवार से दूर रह के हम लोग की रक्षा करते हैं। हम लोग हर साल इसी तरह राखी का उत्सव मनाते हैं। पिछले बार हम लोग नगर निगम में जाके सबको राखी बांधते थे क्योंकि वो लोग हमारे देश को स्वच्छ रखते हैं। इसी तरह आज आप पुलिस वाले को राखी बांधने के लिए आए, तो क्या उद्देश्य क्या था? ये लोग अपने परिवार से दूर रह के हम लोग की रक्षा करते हैं, दिन रात अपने परिवार से दूर रहते हैं, इसीलिए हम लोग आज इनको राखी बांध कर ये रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अरविंद चौधरी ने हम लोगों की शिक्षा दी है कि हम लोग इन सब के साथ ये राखी का बंधन मनाए। क्या नाम है? खुशी कुमारी। कहाँ से आप आए? हम लोयानगर बेगूसराय से आए हुए हैं। ये लोग अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारी खुशी के साथ इनकी खुशी बांटना चाहते हैं। इससे समाज में क्या उद्देश्य देना चाहते? पिछले भी हम लोग नगर निगम में राखी बांधे थे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।